हेलो स्टूडेंट्स, सो हियर इन सेट थियरी जस्ट वी डिस्कस इन लास्ट लेक्चर दैट व्हाट आर डिसजॉइंट सेट, व्हाट आर इक्विवेलेंट सेट, व्हाट आर इक्वल सेट. ओके, बट हियर जस्ट वी अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर सबसेट. जैसे आप अभी तक आपने तो सेट पढ़ा. ओके अरे बाबू, जैसे अभी तक आपने सेट पढ़ा तो इसका एक सबसेट भी तो होगा. समझ पा रहे? तो सेट है तो उसका सबसेट क्या होगा आपको तो पहले ये जानना पड़ेगा. जैसे ये देखो, ये कोई सबसेट है, ये सबसेट को पहले डिफाइन कैसे करोगे? ओके, देखो कह रहा है लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट, देन ए इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ बी इफ एवरी मेंबर ऑफ ए इज आल्सो अ मेंबर ऑफ बी. जस्ट लुक एट हियर, ये आप डिफिनेशन बिल्कुल सही से देखोगे. ये कहा जा रहा है लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट. ओके, देन ए इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ बी. तो ए को हम कहेंगे बी का सबसेट है इफ एवरी एलिमेंट, इफ एवरी एलिमेंट्स को और मेंबर को बोथ आर सेम. ओके, इफ एवरी मेंबर ऑफ ए, एवरी मेंबर ऑफ ए इज आल्सो अ मेंबर ऑफ बी. ओके, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, वी राइट ए सबसेट ऑफ बी, रीड एज ए सबसेट ऑफ बी आर ए कंटेन्ड इन बी. फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये देखो, जैसे हम आपसे एग्जाम्पल बता रहे हैं. यस, जैसे मान लो हम आपसे सबसेट बता रहे हैं. सबसेट क्या था? जैसे ये देखो, सबसेट था ना, सब सेट. जैसे देखो, हमने सपोज करो ए को हमने सेट ऐसे लिखा, 1 2 3. ओके, बी हमने लिखा 1 2 3 4 5. ओके, हम आपसे कह रहे हैं ए सबसेट ऑफ बी, ये है कि नहीं ये आप बताओ. ए सबसेट ऑफ बी, इट इज ट्रू और फॉल्स? देखो, ए सबसेट ऑफ बी होने का मतलब जस्ट हमने यही बताया कि अगर ए सबसेट ऑफ बी का मतलब ये हुआ कि इसके सारे एलिमेंट्स, मतलब सेट ए के सारे एलिमेंट क्या इन सेट बी में है कि नहीं है. अगर इसके सारे एलिमेंट इन सेट बी में है, दैट्स व्हाई ए सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी, अदरवाइज सेट ए विल नॉट अ सबसेट ऑफ सेट बी. तो आप यहां देख रहे होंगे, हियर वन इज प्रेजेंट. ओके, वन इज एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड वन इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ सेट बी. ओके, टू इज एलिमेंट इन सेट ए एंड टू इज ऑल्सो एलिमेंट इन सेट बी. 3 is element in set A and 3 is also element in set B. That's why A is subset of B. समझ पा रहे हैं ना? तो इसका मतलब A है जो B का क्या हो गया? Subset हो गया. तो अगर इसके सारे elements इसमें हैं, तो A ये जो set है ना, इस set का subset हो जाता है. समझ पा रहे? तो यहाँ आप जैसे ऐसे कहो, क्या सर? सर तो हम ऐसे कह सकते क्या? B is subset of A. बिल्कुल नहीं कहोगे. क्यों? क्योंकि देखो, B के सारे एलिमेंट्स क्या इस सेट में है? क्या B के सारे एलिमेंट कहाँ? जैसे 1 2 3 है, यहाँ भी 1 2 3. देखो यहाँ 4 5 4 5, इसमें कहाँ है? नहीं है ना. इसका मतलब B के सारे एलिमेंट इस सेट में नहीं है, इसलिए हम कहेंगे B, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, B इज नॉट अ सबसेट ऑफ सेट A. ऐसे लिख सकते हो या इसको ऐसे. अभी आप ऐसे जानो, B A इज सबसेट ऑफ B का मतलब ये हुआ A के सारे एलिमेंट सेट B में हो. ओके, और वैसे भी आपको डिफिनेशन में यही तो बताया गया था ना, यही तो बताया गया था ना, मतलब A is contained in कहाँ? सेट B. देखो, सेट A जो है ना, ये इसके जो जितने एलिमेंट हैं, इसके एलिमेंट सेट B में contained. contained का मतलब इसमें सारे एलिमेंट इसमें हैं, तो ये आपका सबसेट हुआ. समझ पा रहे? तो ये आपका मीन्स सेट, सबसेट का डिफिनेशन. जैसे अगर एक और एग्जांपल दे दें, सेट A ले लो A, और सेट B ले लो आप A B C. तो देखो, A सबसेट ऑफ B है कि नहीं है? बिल्कुल. देखो आप यहाँ देख रहे होगे, देखो A में कौन सा एलिमेंट है? A है. अरे स्मॉल A है ना, स्मॉल A. देखो यहाँ इस सेट में भी A है, इसका मतलब A सबसेट ऑफ B, क्योंकि A जो है कंटेन्ड इन क्या? A B C, ये इसमें है ना. तो बस ये आपका एलिमेंट्स. समझ पा रहे? यानी ऐसे आप A सबसेट को डिफाइन करोगे. ठीक है, अब ये जैसे देखो, अगर जो एलिमेंट नहीं है, ध्यान देना, ए सबसेट ऑफ बी इज कंटेन्ड, इसको हम कहेंगे इज कंटेन्ड इन बी. वी मे आल्सो से दैट बी इज कंटेन्स ए और बी इज सुपर सेट ऑफ ए. यस, इसको हम सुपर सेट भी बोल सकते हैं. जस्ट वेट, जस्ट अभी हमने आपसे सॉल्व करा है. यस, ये जो आपका है, ये जो बी है ना, ये जो मेरा सेट बी था, ये इस सेट का, इस सेट का ये क्या है? सुपर सेट. क्या है? सुपर सेट. सुपर सेट का मतलब इसमें देखना कुछ एलिमेंट्स इससे अधिक होंगे, ये आपका सुपर सेट हो गया. यानी सेट बी इज सुपर सेट ऑफ सेट ए. ओके, अगर सपोज करो कि ए के, अगर मान लो आप ये ऐसे कह देते,
मान लो हमने आपसे ये कहा 1 2 3 ओके, और b इक्वल टू मान हमने ये कहा 4 सॉरी b हमने आपसे कहा 1 2 3 4 5 6 ओके, और हमने एक मान लो यहां से जस्ट 8 ओके। हम आपसे कह रहे हैं क्या a सबसेट ऑफ b है कि नहीं, पहले आप देखना। a सबसेट ऑफ b का मतलब इफ एवरी एलिमेंट इन सेट a इज कंटेन्ड इन सेट b, तो आपका सेट a इज सबसेट ऑफ सेट b ओके। बट हियर जस्ट वी सी दैट, जस्ट वी लुक एट हियर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, जस्ट आई एम डिस्कस हियर, हियर जस्ट सी दैट वन इज एलिमेंट इन सेट a, आल्सो वन इज एलिमेंट इन सेट b, नो प्रॉब्लम ओके, वेल वेरी गुड, आल्सो टू इज प्रेजेंट इन सेट a एंड टू इज आल्सो प्रेजेंट इन सेट b, बट जस्ट वी हियर सी दैट, जस्ट हियर सी दैट 8, जस्ट वेट 8 इज यस जस्ट वेट 8 इज अ एलिमेंट इन सेट a, बट 8 इज नॉट अ एलिमेंट इन सेट b। इसका मतलब a में जितने एलिमेंट है ना वो सेट b में नहीं उतने, मतलब इसके जितने सारे एलिमेंट्स इसमें हैं ये सारे एलिमेंट सेट b में नहीं है। जब नहीं है ये हम आपसे पूछे ऐसा ये है कि नहीं है, अगर जो नहीं है ना मतलब देखो अगर एक भी एलिमेंट ना मिले ना, ऐसा नहीं सपोज को सब एलिमेंट है, एटलीस्ट कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जो सेट a में हो लेकिन सेट b में ना हो, समझ पा रहे? इसका मतलब सेट a इज नॉट अ सबसेट ऑफ सेट b, तो इसको हम लिखेंगे इन मैथमेटिकल नोटेशन सेट a इज नॉट अ सबसेट ऑफ सेट b, इसको पढ़ेंगे हम, इसको क्या पढ़ेंगे, सेट a इज नॉट अ सबसेट ऑफ सेट b, ये मैथमेटिकल नोटेशन है, इसको आप ऐसे पढ़ सकते ओके। और आल्सो लुक एट हियर, यहाँ देखो b में कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 6 8, और यहाँ देखो तो b क्या है, b is सुपर सेट ऑफ, इसको हम क्या पढ़ते हैं, सुपर सेट ऑफ व्हाट सेट, समझ पा रहे हैं ना, यानी इसको आप ऐसे सपोज अगर हम यहाँ मान लो अगर 5 किए होते ऐसे, अब जस्ट b क्या है, b है इसका सुपर सेट, तो ये आप देखो हमने जस्ट आपको सबसेट बताया ओके, सबसेट में जो मेन आपकी कंडीशन होनी चाहिए वो हमने बता दिया। अब इसके बाद देखो सबसेट इसके कुछ एग्जांपल्स, जस्ट अभी हमने आपसे डिस्कस किया, यस जस्ट यू सी दैट सेट a 1 3 5 7 ले रहा, अब b को ऐसे 1 2 अप टू 10 तक कर रहा, देन एवरी मेंबर ऑफ सेट a इज अ मेंबर ऑफ सेट b, सो a इज अ सबसेट ऑफ b, दैट इज a इज सबसेट ऑफ b, एंड नोट दैट b इज नॉट देखो ये सबसेट ऑफ a, इसको ये लिखने का मतलब ना b इज नॉट अ सबसेट ऑफ a, लिखने का मतलब b के हर एक एलिमेंट ना सेट a में नहीं है, जैसे आप देख रहे हो b में देखो यहाँ 1 2 3 अप टू 10 लिखा है ना, तो 10 देखो यहाँ इस सेट में तो 10 है, ये क्या इस सेट में 10 है क्या, नहीं है ना, दैट्स व्हाई b इज नॉट अ सबसेट ऑफ सेट a, समझ पा रहे? तो ये आपके सेट के कुछ डेफिनेशन, जैसे ये कह रहा है कोई मान लो जैसे लेटर हम ले रहे हैं p इक्वल टू लेटर्स ऑफ चार्म ओके, एंड q इक्वल टू लेटर्स ऑफ मार्च, ये देखो लेटर्स ऑफ चार्म्स अगर आप लिखना चाहो तो इसमें क्या सी एच ए आर एम ओके, एंड ऑल्सो हियर क्यू जो आपका सेट होगा, क्यू जस्ट वेट क्यू क्या आपका सेट आ जाएगा, इसमें मार्च को लिखेंगे तो एम ए आर सी एंड एच, लुक एट हियर आप देख रहे हो यहाँ सी है ओके, तो यहाँ भी सी है, जस्ट वेट यस यहाँ पर आप देख रहे हो सी है ठीक है, यहाँ सी है तो यहाँ भी सी है ठीक है, यहाँ एच है तो यहाँ भी एच है, यहाँ ए सो हियर ऑल्सो ए एंड आर सो आर ऑल्सो एंड यम सो यम ऑल्सो, इट मीन्स आप ये देख रहे होंगे कि जो पी है और क्यू है, पी और पी के सारे एलिमेंट सेट क्यू में है एंड क्यू के ये आपका सेट पी था ओके, अब क्यू के सारे एलिमेंट किस में है, पी में, इसका मतलब ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जैसे सपोज करो इसी से आपका ना इक्वल सेट का डिफिनीशन आता है, जैसे ये देखो अगर जो आप जैसे देखो ये आपका था पी, पी इक्वल टू हमने सेट लिखा था सी एच ए आर एम ओके, और क्यू इक्वल टू हमने सेट लिखा था एम ए आर सी एच, सो आप यहाँ देख रहे होगे पी सबसेट ऑफ क्यू, पी सबसेट ऑफ क्यू का मतलब क्या समझ रहे, मतलब पी में जितने एलिमेंट्स हैं हर एक एलिमेंट्स क्यू में है, जैसे यहाँ सी आप देख रहे सी सेट में भी है, एच जो यहाँ है तो एच सेट क्यू में है, ए जो अगर सेट ए में है तो ए सेट आपका क्यू में है, आर अगर सेट पी में है
आर आपका सेट क्यू में भी है, यम जो सेट पी में है तो यम सेट आपका, इसका मतलब पी सबसेट ऑफ क्यू, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट लिख सकते हैं ना। क्यों लिख सकते हैं, मतलब अगर सबसेट जस्ट हमने आपसे डिस्कस किया था ना, इफ द ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज कंटेंड इन सेट बी देन ए इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ सेट बी। सो हियर जस्ट वी सी दैट पी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट पी इज कंटेंड इन सेट क्यू, दैट्स व्हाई पी सबसेट ऑफ क्यू। ऑल्सो हियर सी दैट the all the elements of set Q is also contained in what, in set P, that's why Q is also a subset of P। ये आपका equation 2, after combining equation 1 and 2, combining equation 1 and 2, आप जैसे देखो equation 1 और 2 को जब combine करोगे then what you get, जैसे हमने आपसे ये कहा था if x, just look at here, if x ऐसे आप लिख सकते हो ऐसे जस्ट वेट यस, जैसे मान लो अगर P क्या है, P सबसेट ऑफ Q और Q सबसेट ऑफ B, तो अगर इन दोनों को कंबाइन करो ना तो ये आपका मिल जाएगा P इक्वल टू Q। इसका मतलब क्या समझते हो, ये आपको क्या डिनोट करता है, ये आपको डिनोट करता है इक्वल सेट। देखो हमने इक्वल सेट आपसे जस्ट डिस्कस भी किया था, इक्वल सेट क्या होते हैं, इक्वल सेट होते हैं जिसके हर एक एलिमेंट्स आपस में सेम हो, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी होना चाहिए, और इसके हर एक अगर जो इसमें एलिमेंट है वो पक्का इसमें भी होना चाहिए, जो इसमें है तो वो इसमें भी होना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हो पी इक्वल टू क्यू, क्योंकि आप जस्ट यहाँ देख रहे होगे यहाँ सी है तो इस सेट में भी आपका सी है, यहाँ एच है तो यहाँ भी एच है, यहाँ ए है तो यहाँ भी ए है, यहाँ आर है सो यहाँ भी आर है, और यहाँ एम है तो यहाँ भी आपका यमति, आपके क्या हो गए इक्वल सेट भी हो गए, और ये आपके क्या हो गए। इसके बाद जस्ट हमने क्या इसे डिस्कस किया था यस, तो आप इसको ऐसे देख सकते हो ठीक है, मतलब इसमें सबसेट का जो हमने बताया था, मतलब इसमें कैसे सबसेट एक दूसरे को दिखा सकते, ये इसका सबसेट है कि नहीं, ये इसका सबसेट है कि नहीं, आप बिल्कुल दिखा सकते। इसके बाद देखो प्रॉपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट का बस नोटेशन कुछ नोटिस, जैसे आप ये सबसेट के ये नोटेशन पढ़ते हो, प्रॉपर सबसेट का नोटेशन बस ये होता है बस, अगर ऐसे हम लिख देना इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। जैसे देखो सेट ए, लेट ए बी एनी सेट, बी बी ए नॉन इम्पर्टी सेट, देन ए इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ एवरी मेंबर ऑफ ए इज आल्सो मेंबर ऑफ बी एंड देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी व्हिच इज नॉट अ मेंबर ऑफ ए, वी राइट ए इज सबसेट ऑफ बी, रीड एज ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ओके, इसमें फिर कह रहा अगर इफ ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, दैट इज ए इज सबसेट ऑफ बी, देन बी इज कॉल्ड अ प्रॉपर सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, इसको जस्ट हम एग्जाम्पल्स आपको समझा रहे हैं यस, ठीक है, आप ऐसे देख सकते हो प्रॉपर सबसेट का मतलब। जैसे ये देखो, जैसे ये देखो, ये कह रहा है जैसे लेट ए इक्वल टू एलिमेंट्स ए है, देन सबसेट ऑफ ए इक्वल टू क्या फाइव, ये लुक एट हियर, जस्ट इसको अभी हम आपसे जस्ट वेट, ठीक है। तो ये जैसे अगर सपोज कर हम आपसे ये कह दें, जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, अगर कोई मान लो हमने सेट ए में कहा 1 2 ओके, और सेट बी हमने कहा क्या मान लो 3 1 जस्ट वेट 1 2 3 4 ओके, तो इसके देखो हर एक एलिमेंट इसमें है ना, तो ए सबसेट ऑफ बी, ऐसे एस मतलब इसको क्या बोलते हैं प्रॉपर सबसेट, समझ पा रहे हैं। तो यही आपके प्रॉपर सबसेट के एग्जाम्पल हो गए ठीक है। अब ये देखो इसमें कह रहा है If A and B are two set, then A is subset of B if and only if A X belongs to A implies X belongs to B. A equal to B if and only if A is subset of B. B just इसको हमने डिस्कस कर दिया था अभी। A equal to B तभी कहेंगे अगर A subset B का हो और B subset A का हो, तो इसका हम दोनों कंबाइन करेंगे तो आपस में इक्वल हो जाएंगे। ओके, अब ये कह रहा इफ ए इज अ फाइनाइट सेट विद नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अब कोई A कोई फाइनाइट सेट है, A कोई क्या है बाबू फाइनाइट सेट ओके, तो इसमें कितने एलिमेंट है m, तो देन नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट a इक्वल टू क्या 2 पावर m एंड नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ a इक्वल टू क्या 2 पावर m माइनस, ये आप फार्मूले नहीं बाबू, ये फार्मूले आप लर्न कर लोगे, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या कह रहा है, अगर कोई सेट है जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है ओके, तो उसमें मान लो m एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ सबसेट उसका हो जाता है 2 पावर m ओके। और उसमें नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट हो जाता है 2 पावर m माइनस 1, तो ये आप इसको फार्मूले लर्न कर लोगे ठीक है। अब ये जैसे ये देखो, ये कह रहा अगर जो कोई सेट ए है, इसमें अगर ए कोई एलिमेंट है, देन सबसेट ऑफ ए क्या हो जाएगा फाई और ए, मतलब ए अगर सपोज करो कोई फाई ओके, इसके सबसेट आपको लिखने हैं, क्या लिखने हैं सबसेट,
तो सबसेट के अगर मान लो देखो इसमें फाई है, इसमें मतलब कैसे एलिमेंट लिखेंगे? देख इसमें फाई का मतलब कुछ नहीं, अरे फाई है, फाई मतलब इसमें क्या है? कुछ नहीं, तो इसके सबसेट क्या आ जाएंगे? फाई कामा एक तो रहता ही हमेशा, ये फाई हो जाएगा और ये जो आपका एटलीस्ट ये ए हो जाएगा, मतलब जो आपका ए का मतलब फाई ना, समझ पा रहे हैं ना, ये हो जाएगा और ये कह रहा है ए इक्वल टू ये जो भी आपका ये था। अगर मान लो यहाँ ए का प्लेस जो होगा ना, ए का प्लेस पे यहाँ एक्चुअली आपका क्या था, ए का प्लेस पे ये था। तो अगर जो हम आप ये कह इसका क्या सबसेट लिखना है, सब जैसे ऐसे समझ सकते जी। देखो इसमें यदि आपको सबसेट लिखने हैं ना बाबू, तो सबसेट लिखने हैं तो आप क्या लिखोगे? हमने क्या कहा था, अगर कोई फाइनाइट सेट है उसमें ये जस्ट फार्मूला यूज करूँ, ये वाला, उसमें क्या नंबर ऑफ एलिमेंट m है, तो उसमें नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाते हैं, 2 को पावर m। जैसे देखो ये 2 m कितना होता है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो एक है यानी 2 को पावर 1, ये कितना आ जाएगा 2। यानी अगर इसका हम सेट a जो है, सेट a a है, इसका यदि हम सबसेट लिखना चाहें ना, इसके सबसेट, तो सबसेट, तो इसके सबसेट क्या आएंगे? सबसेट पहला क्या, हमेशा एक फाई हमेशा आप लिखोगे, फाई हर एक सेट का सबसेट होता है, फाई आपको लिखना है, ओके। और फाई हो गया, और दूसरा इसके पास इटसेल्फ वही आपका सेट है, एक्चुअली देखो कितने हैं इसमें, 2 आए ना, तो पहला तो फाई हो गया, दूसरा क्या आएगा, दूसरा आपका इटसेल्फ यही आ जाएगा, इटसेल्फ यानी इटसेल्फ ए, तो यही आपके ये सबसेट होगा, मतलब सेट ए इसका इसका आंसर ये हुआ, समझ पा रहे हैं ना, मतलब जो भी आपका सेट है था उसके कितने ये सबसेट। अगर मान लो सपोज करो आपके कोई ए कामा बी क्या है, ये आपका सेट है, तो उसके कितने सबसेट बनेंगे? ए कामा बी है, ये सपोज करो हम आपसे कह रहे हैं ए कामा बी है, इसके फाइंड इट्स सबसेट, ओके सबसेट आपको बताना है। तो हमने क्या बताया था, अगर मान लो कोई सेट ए है, तो हम लिखेंगे पहले नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, इसमें कितने एलिमेंट हैं, 2 हैं, ओके। देन नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए इक्वल क्या हो जाए, देखो हमने क्या बताया था, 2 को पावर क्या, हमने m बताया था, m का मतलब इसमें कितने एलिमेंट हैं, 2 है ना, यहाँ आपको क्या हो जाएगा, 2 को पावर 2 का मतलब 4, मतलब इसके इस सेट के आपके कितने सबसेट बनेंगे, तो 4 बनेंगे, तो 10 सबसेट ऑफ सेट ए इज गिवन बाय इसको क्या करोगे, कैसे गिवन करोगे, गिवन बाय देखो पहला क्या आ जाएगा, हमने क्या बताया फाई हमेशा होता है, ओके। दूसरा हो जाएगा, अलग अलग सेपरेट कर लो पहले, दूसरा हो जाएगा ए, ओके, तीसरा हो जाएगा बी, और चौथा हो जाएगा इटसेल्फ, ये पूरा यानी ए कामा बी, तो ये आपके क्या हो गए, ये आपके सबसेट हो गए, मतलब अगर कोई सेट है जिसमें 2 एलिमेंट है ए कामा बी, तो इसके ये सबसेट हो गए, सबसेट ऑफ ए, ये आपके सबसेट ऑफ ए, ये आपका आंसर हो पाया, समझ पा रहे हैं ना, यानी ऐसे आप आंसर कर लोगे, ठीक है। तो बस ऐसे देख सकते हो, यानी जो भी आपके सबसेट कैसे आप फाइंड आउट कर रहे हैं, हमने सबसेट बनाने इसमें पहले तो आप चेक करो इसमें कितने एलिमेंट है, ओके, इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, सबसेट कैसे बनते हैं, जस्ट हमने आपको डिस्कस कर दिया, ठीक है। उसके बाद से जस्ट हम आपको इन नेक्स्ट लेक्चर जो भी यहाँ अब देखो इसमें आप प्रॉपर सबसेट भी बता सकते हो, मतलब देखो जितने आपने सबसेट निकाला ना उसमें से 1 बस सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जितने एलिमेंट आएंगे ना वो उसके क्या हो जाएंगे, प्रॉपर सबसेट का मतलब 5 को हटा देते हैं, उसको हम 5 पढ़ते हैं ना, ठीक है। तो इसके बाद जस्ट ये हो गया, इसके बाद ये सारे आप कर सकते हो, ओके। इससे हम कुछ रिलेटेड आपको एग्जाम्पल्स कराएंगे, एक्सरसाइज भी हम कुछ आपसे यहाँ से डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद से एक लेक्चर का और ये है, उसके बाद ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, ओके, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, ओके।